हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आपके क्वेश्चन 151 से लेके 160 तक। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, इन सब में से क्या ट्रू है आप कि एसटीटी से रिलेटेड। ठीक है, जो एसटीटी होती है, मैं आपको पहले एक बार इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एसटीटी क्या होती है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये इक्विटी फंड पे लगता है, पहली चीज़ ये क्लियर कर लो। ठीक है, यानी डेब्ट वाले जो आंसर है उन्हें कटवा दो कि ये हमारे डेब्ट से रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है, यानी डेब्ट से रिलेटेड फंड पे नहीं लगेगा, तो ये डेब्ट फंड के बारे में, ये डेब्ट फंड के बारे में, इन दोनों पे नहीं होगा। और दूसरी चीज़, एसटीटी लगती है रिडेप्शन के टाइम पे, तो यानी कि परचेज के टाइम पे नहीं लगेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, एसटीटी इज पेबल व्हेन इन्वेस्टर डज रिडेम्पशन फ्रॉम इक्विटी म्यूचुअल फंड। क्लियर, चलो आगे बढ़ो। हु अपॉइंट्स द एएमसी? एएमसी कौन अपॉइंट करता है, मैं आपको बताता हूँ। एक म्यूचुअल फंड की जो स्कीम लॉन्च होती है, सबसे पहले रोल आता है आपके स्पॉन्सर का। ठीक है, स्पॉन्सर के बाद कौन होते हैं, ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं आपके एएमसी को। इसको अपॉइंट करते हैं ये लोग। ठीक है, ये अपॉइंट किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, ट्रस्टीज। क्लियर, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मॉडल पोर्टफोलियो? जो मॉडल पोर्टफोलियो होता है वो उसके लिए क्या चीज़ सही है। मॉडल पोर्टफोलियो क्या होता है, एक फाइनेंशियल प्लानर, एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर एक डिसाइड करके, एक बना के एक मॉडल पोर्टफोलियो देता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, डिसाइडेड बाय फाइनेंशियल प्लानर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरएनटी एजेंट्स? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? क्रिएटिंग, मेंटेनिंग, अपडेटिंग द इन्वेस्टर रिकॉर्ड, ये तो करता है आरएनटी एजेंट। अपडेटिंग यूनिट कैपिटल, ये भी करता है। प्रोसेसिंग डिविडेंड एंड रिडेम्पशन पे आउट टू इन्वेस्टर्स, ये भी करता है। तो यानी कि आंसर क्या होगा इसका, सेटलिंग इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन ऑफ द फंड, सेटलमेंट का काम उसका नहीं होता। क्लियर, क्लियर, आगे बढ़ो। स्पॉन्सर्स नेटवर्क शुड बी पॉजिटिव फॉर, अगर किसी को स्पॉन्सर बनना है किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए, किसी को म्यूचुअल फंड लॉन्च करना है और उसका वो स्पॉन्सर बनना चाहता है, तो उसकी नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए पिछले 5 सालों की। ठीक है, 1 या 2 साल की या 3 साल की नहीं, पिछले 5 सालों की। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन किम? किम क्या होता है, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ठीक है, उसके अंदर इसमें से क्या नहीं होता, क्या क्या नहीं होता पहले देख ले, क्या क्या होता है। डिटेल्स ऑफ की पर्सनल ऑफ एएमसी, ये तो होता है। टैक्स बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड, ये भी होता है। एक्सपेंस एंड लोड स्ट्रक्चर, ये भी होता है। ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट नहीं होता आपके किम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। व्हाट शुड बी द सेक्टर फंड एलोकेशन फॉर ए सिंगल इनकम फैमिली हैविंग स्मॉल इन्वेस्टेबल सरप्लस? अगर एक छोटी फैमिली है, एक सिंगल अर्निंग बंदा है, उसमें सेक्टर में आप क्या लगाओगे? कुछ नहीं लगाना। ठीक है, कुछ भी नहीं लगाना, तो 0%। ये मैंने आपको बताया था इससे पहले जो आपकी वीडियो आई थी कि ये सेक्टर फंड में कब लगाया जाता है, एक स्टेज के बाद लगाया जाता है, अब जब डाइवर्सिफिकेशन की स्टेज में हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर स्कीम इज अलाउड इन म्यूचुअल फंड? हाँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जाना चाहते हो आप जा सकते हो। चलो आगे बढ़ो। गोल बेस्ड अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फोकस्ड ऑन, जो गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग है वो एक पर्टिकुलरली फोकस्ड होते हैं एक पर्टिकुलर गोल पर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ो। हु कैन नॉट बी द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द एएमसी? इनमें से कौन एएमसी का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो सकता? आईएफए किसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, जैसे हम और तुम। ठीक है, बैंक भी होते हैं, तो कौन नहीं हो सकता, जो उसका एम्प्लॉई होता है वो नहीं हो सकता। क्लियर, क्लियर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।